पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन पे आओ। अ फंक्शन एफएक्स इज सेट टू हैव अ मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा को डिफाइन करता हूं, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए है। जैसे मान लो ये आप अगर हम ग्राफ बनाते हैं ये मान लो आपके पास एक पॉइंट है, मान लो आपको ए पे मैक्सिमा चाहिए ठीक है ना, तो क्या होगा ए से लेफ्ट की वैल्यू और ए के राइट की वैल्यू पे जो आउटपुट है ना वो ए के ए पे जो आउटपुट है मतलब ये ए कॉमा एफ ए हो गया है ना यहाँ पर, और इस वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हो गया ये ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, और इस वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया ए माइनस एच, ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव अ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए इफ जो एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू होगी वो बड़ी होनी चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच से, और इसके लेफ्ट वाली पे जो है ए माइनस एच उससे भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, इक्वल टू भी चलेगा लेकिन बड़ी ये होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है मैक्सिमा की, और मिनिमम में इसका उल्टा हो जाएगा फिर। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव अ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए, उस केस में क्या होगा ग्राफ ऐसे होगा, देखो मान लो यू ऐसे है, ये वाला पॉइंट आपका मान लो ए, तो ए प्लस एच पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी और ए पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ऑफ ए, तो यानी कि राइट वाली वैल्यू इससे बड़ी है और इसके लेफ्ट में इमीडिएट इसके जो लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो भी बड़ी होगी ऐसे। ये तो इफ इसको पूरा कर देता हूं, इफ जो एफ ऑफ ए है वो छोटा होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच से और छोटा होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच से, ये मतलब होता है इसका, इक्वल टू भी चलता है। ठीक है ना, यानी कि फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, याद रखिएगा कंटिन्यूअस के लिए अलग डेफिनेशन अलग तरीके से अप्रोच करते हैं और डिसकंटिन्यूअस के लिए अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, डेफिनेशन दोनों में सेम रहेगा। तो फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एफ एक्स हैज ए मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए देन x इक्वल टू ए देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड डिक्रीजिंग टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये है, तो मतलब कि फंक्शन मान लो सपोज करो अगर ए पे मैक्सिमा है
तो ए के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए देखिए, और ए के राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए देखिए। सही है, ए के लेफ्ट में इंक्रीजिंग और ए के राइट में डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ही वो मैक्सिमम आता है उसका। कंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा होता है। सही है, एक्स इक्वल टू ए पे अगर मैक्सिमा चाहिए आपको, तो ए के लेफ्ट में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए और ए के राइट में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। सही है, यस और अगर ये उल्टा करें, एफ एक्स हैज अ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए, इसमें उल्टा हो जाएगा ये, देन जो फंक्शन आपका है ये जो है डिक्रीजिंग होना चाहिए लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में डिक्रीजिंग होना चाहिए और ए के राइट में इंक्रीजिंग होना चाहिए। सही है, ग्राफिकली आपको ये ऐसा दिखेगा, तो ये देखो ऐसे डिक्रीज किया, ये आपका पॉइंट है ए, यहां पर मिनिमा है, इसका मतलब है कि ए के लेफ्ट में ये डिक्रीजिंग होना चाहिए और ए के इसमें ये इंक्रीजिंग होना चाहिए ए के राइट में। सही है, और आपको पता है कि डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। सेम यहां पर देखो, एफ डैश एक्स यहां पॉजिटिव होगा और एफ डैश एक्स यहां पर नेगेटिव होगा। ये हो गया आपके कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमा और मिनिमा ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होती है, मैक्सिमा और मिनिमा नेबरहुड की प्रॉपर्टी होती है। हम कंपेयर करते हैं उस वैल्यू को उसके आस लेफ्ट और राइट की इमीडिएट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक मान लो सपोज करो आपका ग्राफ मान लो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना, मान लो एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, देखो ये देखो मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, तो ये जहां जहां पर भी ये देखो, यहां पर इस वाले पॉइंट पे देखोगे अगर आप, तो इसके लेफ्ट में देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट में डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर ये कैपिटल एम मैक्सिमा हो गया। इस वाले पॉइंट पे देखो अब, इसके लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा है, राइट में इंक्रीज कर रहा है, तो ये मिनिमा हो गया। कैपिटल एम को मैं मैक्सिमा के लिए लिख रहा हूँ, स्मॉल एम को मैं मिनिमा के लिए लिख रहा हूं। और इस वाले पॉइंट पे देखो आप, देखो ये डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये मिनिमा हो गया। इस वाले पॉइंट पे देखो आप, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये मैक्सिमा हो गया। देखो ये वाला जो मैक्सिमा है इस मिनिमा से देखो नीचे है, छोटा है, तो कोई मैक्सिमा किसी मिनिमा से छोटा भी हो सकता है, आई बात समझ में। तो एक्चुअली उसको उसके ये इस वाले पॉइंट को हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे, इसके नेबरहुड में कंपेयर करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा नेबरहुड की प्रॉपर्टी है, हम किसी भी वैल्यू को उसके इमीडिएट नेबर से कंपेयर करते हैं, ना कि फार पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा है कंटिन्यूअस के लिए, ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने अभी तक लिखाई है, ये डेफिनेशन थी ऊपर है ये वाला। ये जो डेफिनेशन है ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है नीचे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, ये जो नेचर है इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग, ये कंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा होता है, डिसकंटिन्यूअस में ये रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। अब ये चीज आपने पढ़ी हुई है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ, तो दो हेडिंग में डालते हैं हम लोग उसको।
तो पता है आपको एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है ना, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स दिया होता है, हम इसको dy बाय dx कर लेते हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो एफ डैश एक्स है इसको जीरो लिख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, और x की मेरे को कुछ वैल्यूज मिल जाती है, मान लो अल्फा बीटा ऐसी कुछ वैल्यूज मिल गई, जिनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, स्टेशनरी पॉइंट है ना, चेंज कहीं कहीं पर चेंज पॉइंट्स कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, हम नंबर लाइन बनाते हैं और ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनको प्लॉट कर देते हैं। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में डिक्रीजिंग है, हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, तो अल्फा के लेफ्ट में फंक्शन का एफ डैश एक्स, ये आपका एफ डैश है ऐसे, तो मान लो लेफ्ट में आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब कि आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, और इसके राइट में आपका एफ डैश एक्स मान लो नेगेटिव आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे जहां पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है वो आपका मैक्सिमा बन जाएगा, है ना। और इस वाले पॉइंट पे देखो क्या है, इस वाले पॉइंट पे देखो लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में देखो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, मतलब डिक्रीजिंग, और इसके आगे जो है आपका जो एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग है, देखो ठीक है। यानी कि अगर फंक्शन इंक्रीज करते करते डिक्रीज करने लगे तो मैक्सिमा देता है, और डिक्रीज करते करते इंक्रीज करने लगे तो वो मिनिमा देता है, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग ऐसे करते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ये सब आपने बोर्ड्स लेवल पे किया होगा, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेम तरीका, ये लगभग सेम ही है, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर आपने उस एफ डैश एक्स को जीरो करके उसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, और एक्स की कुछ वैल्यूज निकल आएगी, अल्फा बीटा ऐसे कुछ निकल आएगी, एक दो तीन जितने भी निकल आएगी निकल आएगी, फिर आपने क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट कर देना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब आपने डबल डिफरेंशिएट कर देना है ऐसे, फिर क्या करना है, एक एक करके आपने इन पॉइंट्स को पुट करना है। नाउ ये एफ डबल डैश में एक्स के जगह अल्फा पुट कर दो, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो अल्फा इज पॉइंट ऑफ उल्टा मिनिमा हो जाएगा ये, और अगर एफ डबल डैश बीटा मान लो नेगेटिव आ गया तो बीटा इज पॉइंट ऑफ नेगेटिव वाले के लिए ये मैक्सिमा होता है, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव था देखो, ठीक है ना। और अगर फिर अगर जीरो आ गया मान लो, अगर मान लो यहां पर गामा भी होता, तो मान लो अगर हम यहां पर एफ ट्रिपल डैश डबल डैश मैं हमने गामा पे मान लो ये जीरो आ जाता, तो उस केस में हम लोग फिर आगे आगे फर्दर करते हैं, वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा, है वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, और फिर आगे आपको हायर डेरिवेटिव टेस्ट करने पड़ेंगे, अगर मैं अगर इन्फ्लेक्शन नहीं है तो फिर हायर डेरिवेटिव टेस्ट करने पड़ेंगे उसका पता करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग करते हैं इसको। हाँ डिसकंटिन्यूअस के लिए
होता है देखिए, पहले मैं इसकी थ्योरी करा देता हूं। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा ना, तो डेरिवेटिव टेस्ट तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैक्सिमा मिनिमा तो होगा ही होगा, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यूज डेफिनेशन, मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन यूज करेंगे। देखिए मैं आपको कुछ केसेस दिखाऊंगा आपको, जैसे केस वन, मान लो सपोज ऐसा कुछ ग्राफ बन के निकल आए हैं, ये आपका मान लो इस पॉइंट पर आपका एफ ए है, ये आपका ए है, ये ठीक है ना, और यहां से आपने ऐसा कुछ ग्राफ बना है, मान लो ऐसा, और इसको ऐसे ही ले लेते हैं, चलो सिंपल सा ग्राफ ये ले लेते हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है आपके पास ये, देखो अब क्या करेंगे, देखो एफ ए जो है उसकी वैल्यू तो ये रहा, इसके लेफ्ट में देखेंगे ए माइनस एच पे जो वैल्यू आ रही है आपकी, देखो वो बड़ी आ रही है ना, ये वाला एफ ऑफ ए माइनस एच ये वैल्यू आ रही है देखो, और इसके राइट में देखेंगे, इसकी राइट में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो एफ ए है उसके राइट वाले से भी छोटा है और उसके लेफ्ट वाले से भी छोटा है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए पे वैल्यू उसके लेफ्ट वाले नेबरहुड और राइट वाले नेबरहुड से छोटी हो, है ना, दोनों से छोटी हो तो वो मिनिमा होता है, दोनों से बड़ी हो तो मैक्सिमा होता है, देखो सही है। एक केस तो ऐसा हो गया, एक ऐसी दो तीन केस में कवर हो जाएगा, हाँ एक केस तो ऐसा हो गया देखो, तो मिनिमा था ये वाला है, इस वाले में क्या था देखते हैं, ये वाली सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही, मान लो आप ए पे, आप यहां पर हो, मान लो यहां से यू आया हा, और फिर यहां से क्या हुआ, ये ऐसे गया और यू आया, मान लो ठीक है। अब देखना पड़ेगा ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, तो ए के राइट हैंड साइड पे जब आप जा रहे हो तो आप पहुंच जा रहे हो इस पे, यहां पर पहुंच जा रहे हो एफ ऑफ ए प्लस एच में, और ए पे जब आप जा रहे हो तो आप यहां पर हो एफ ऑफ ए में, और इसके लेफ्ट नेबरहुड में जा रहे हो तो आप ऊपर आ गए एफ ऑफ ए माइनस एच में। अब यहां फिगर देख के आपको दिखेगा कि आपका जो ये एफ ए है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा है, मतलब नीचे है, और f ऑफ a माइनस h से भी छोटा है, दोनों तरफ से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया a इज पॉइंट ऑफ, अगेन इस वाले केस में भी ये मिनिमा हो गया, सही है। देखो दो केस आपके ओके सही है, yes। तो ये आपका मैंने मिनिमा के दो केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक केस और लेते हैं, इस बार मैं ऐसा कुछ लेता हूं, हाँ ऐसा कुछ है, मान लो ए पे मान लो ऐसे कुछ आया,
नॉन डिफरेंशियल, चलो ये ले लिया, ये ए ए पॉइंट है और ये एफ ए, ठीक है, और यहां से फिर ये यू है और ये वाला जो है ये यू है, दोनों तरफ डिक्रीजिंग है ना, ये भी ए के लेफ्ट में भी डिक्रीजिंग है, ए के राइट में भी डिक्रीजिंग है, इसमें ए के लेफ्ट में डिक्रीजिंग था, ए के राइट में इंक्रीजिंग था, ऊपर वाले में क्या लिया था मैंने, ए के लेफ्ट में इंक्रीजिंग, ए के राइट में डिक्रीजिंग, तो ये तीन केसेस मैंने ले लिए, ये वाला इस केस में देखते हैं क्या है ये ए वाला, ठीक है, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में देखें, तो ये ए माइनस एच पे आप जो वैल्यू ले रहे हो यहां आ रही है एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए के राइट में अगर आप इनपुट डालो तो आपको वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि जो एफ ए है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा है और एफ ऑफ ए माइनस एच से भी छोटा है, दोनों तरफ से छोटा है, दोनों नेबरहुड से छोटा है, तो क्या हो गया, ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो ये तीन केसेस मैंने आपको मिनिमा के दिखा दिए, सही है, तो तीनों में डेफिनेशन देख लीजिए, हैं? ऐसा ही मैं मैक्सिमा के कुछ केसेस दिखा रहा हूं आपको, हैं? ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है ना, हाँ, तो यहां पर मैंने आपको मिनिमा बाय डेफिनेशन ये बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैक्सिमा बाय डेफिनेशन, ठीक है, इस यहां पर मैं आपको केस ले लेता हूं, पहला केस मैं आपको ले लेता हूं, सिंपल सा केस लेता हूं पहले, ये ऐसे कुछ केस ले लेता हूं, ए यहां से आपने ग्राफ दिया यू, यहां खत्म, और यहां से फिर ये दूसरा वाला यू आया और ए पे वैल्यू यहां है, ए पर आपको एफ ए यहां मिल रहा है, अब जो ए प्लस एच पे जो आपको वैल्यू मिल रही है वो यहां मिलेगी है एफ ऑफ ए प्लस एच, और ए माइनस एच पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ये, यहां पर आप देख सकते हो क्या कि आपका जो ये एफ ए है वो राइट वाले से तो बड़ा है ही है और लेफ्ट वाले से भी बड़ा है, देखो है ना, दोनों नेबर से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये आपको मैक्सिमम मिलेगा, सही है, दूसरा केस आपको दिखाता हूं, एक इंक्रीजिंग लिया है, अब मैं दोनों इंक्रीजिंग ले रहा हूं, हाँ ऐसे है, ये मान लो सपोज करो ये आया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे कुछ आएंगे, दोनों इंक्रीजिंग जा रहे, ठीक है, और ये आपका ए की वैल्यू ये रही, ए पे आप ये आपको एफ ए मिला दे, सही है, दोनों तरफ इंक्रीजिंग लिया मैंने, इसमें एक इंक्रीजिंग लिया था एक डिक्रीजिंग लिया था, इसमें दोनों तरफ इंक्रीजिंग लिया है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ए प्लस एच पे जो आपको वैल्यू मिली है वो ये एफ ऑफ, और ए माइनस एच पे जो आपको वैल्यू मिली है देखो, दिख गया आपको कि आपका जो ये एफ ए वाली वैल्यू है वो इसके राइट वाले नेबर के वैल्यू से बड़ी है और लेफ्ट वाला नेबरहुड से भी बड़ी है, तो देखो दोनों तरफ से बड़ी है, हैं? इसको ठीक कर देता हूं मैंने, एफ ए बड़ा है ना तो एफ ए की तरफ लेना पड़ेगा ना एरो, ये ऐसे, तो देयरफॉर
ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सही है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या है ये। है ना, एक केस और ले लेता हूं बस, हो गए। तो ऐसे आपको केस कंसीडर करने हैं और नेवर को कंपेयर करना है बस खाली। जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमम निकाल रहे हो उसके इमीडिएट नेबरहुड में आपने कंपेयर करना है। मान लो ऐसा कुछ है, हाँ ये डिक्रीजिंग आया, ऐसे यहां तक डिक्रीज हुआ और उसके बाद दूसरा वाला, मैं दोनों डिक्रीजिंग केस ले लिया मैंने, नहीं हाँ दोनों डिक्रीजिंग केस ले लिया, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग। अब दोनों डिक्रीजिंग वाला केस ले लेता हूं, देखिए दोनों डिक्रीजिंग वाला केस लेता हूं, ये आपका ए है, ए पे आपको एफ ए मिला, ए प्लस एच पे आपको एफ ऑफ ए प्लस एच मिला, ए माइनस एच पे आपको एफ ऑफ ए माइनस एच ये मिला। अब यहां से कंपेयर करो, आप देख रहे हो कि एफ ए सबसे ऊंचाई पे है, ये एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है और एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है, तो विच एम्प्लाइज ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगेन। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफिकली निकाला जाता है, इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। यहां पर आप डिफरेंशिएशन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल तो होगा नहीं, है ना। तो अगर डिफरेंशियबल ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करोगे। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यह किया जाता है, ठीक है भाई, ये नोट कर लेना इसको जरूर। मतलब बेसिकली आपको ग्राफ बनाने होते हैं और ग्राफ से फिर आइडिया लगाना होता है कि क्या होगा, ठीक है ना। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर आपके पास कैलकुलस है ही, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ चाहे सेकंड डेरिवेटिव लगाओ, सही है, ठीक है। तो मैं फोकस करूंगा इस पे, हाँ डिसकंटिन्यूअस वाले पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तो आपने मैथ बहुत सारे किए होंगे, प्रॉब्लम नहीं, बता दूंगा उसको भी दूंगा क्वेश्चंस, लेकिन ज्यादा फोकस मैं करूंगा डिसकंटिन्यूअस वाले में, ठीक है। जैसे एक, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज लेस देन वन एंड सेवन माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, देन फॉर एफ एक्स देन डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो लेफ्ट डेरिवेटिव जीरो है और राइट डेरिवेटिव माइनस वन है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जैसे ग्राफिकली करेंगे उसको, डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, वन इसका चेंज पॉइंट है, वन के लेफ्ट में ये सिक्स है, वन के लेफ्ट में सिक्स है और वन के बाद ये सेवन माइनस एक्स है, तो वन पे ये फिर सिक्स आ गया, टू ये ऐसे करके यू आ गया, देखिए ये है, देखो तो वन पे आपको मिल रहा है जो वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ वन पे, जो आपको वैल्यू मिल रही है वो ये रही, और वन के नेबरहुड में वन पे अगर मैं कुछ ऐड करूं वन प्लस एच तो आपको वैल्यू ये मिल रही है एफ ऑफ वन प्लस एच, और वन के लेफ्ट में अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आपको ये वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ वन माइनस एच। तो यहां पर आप देख सकते हो जो एफ ऑफ वन है आपका वो इसके राइट नेबरहुड से बड़ा है, देखो राइट वाले की वैल्यू से बड़ा है लेकिन लेफ्ट वाले के इक्वल है, क्या बोलेंगे फिर इसको, वन, हाँ अब ये तो इक्वल के लिए भी मैक्स
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे इसको। देखो मैंने आपको ऊपर लिखा था ना, इक्वल भी बोल सकते हैं करके है डेफिनेशन। देखो स्टार्टिंग में यहां पर, क्योंकि ये तो ग्राफ के हिसाब से यहां पर मैंने इक्वल नहीं लिया हुआ है, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी है, देखिए फर्स्ट में ये देखिए, मैंने कहा ना इक्वल भी हो सकता है, ये है ना, एक साइड इक्वल भी हो सकता है, उस केस में भी वो मैक्सिमा होता है। ये आया देखिए, ऐसे करें, देखो डिफरेंशिएबल नहीं था ये, लेकिन फिर भी इसका मैक्सिमा मिनिमा था। तो मैक्सिमा का मतलब ये नहीं हुआ कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमा का मतलब हुआ कि उसके अगल बगल की जो वैल्यू है वो छोटी है उस, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन ये है, fx इज इक्वल टू 4x माइनस x क्यूब प्लस log ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इफ x बिलोंग्स टू 0 से 3, 0 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड, और दूसरा है x माइनस 18 और x ग्रेटर देन 3 के लिए। ये कह रहा हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन के बारे में बताया गया है कि वो फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है x इक्वल टू 3 पे, तो उस हिसाब से a की वैल्यू आपको बतानी है, सही है। हाँ तो मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, देखो डेफिनेशन तो कंटिन्यूअस के लिए भी अप्लीकेबल है, डिसकंटिन्यूअस के लिए भी अप्लीकेबल है ना। तो इस वाले देखो, ये दो फंक्शन है, डबल डिफरेंशिएशन है, ग्राफ नहीं बना सकता क्योंकि ये लॉग ए अभी डिफाइंड नहीं है, ए का पता ही नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, तो मैं वो लगा देता हूँ, आपका डेफिनेशन लगा देता हूँ। डेफिनेशन ये कह रहा है कि जो एफ ऑफ थ्री पे जो वैल्यू है, मैक्सिमा बोला है ना, वो एफ ऑफ थ्री प्लस एक्स से बड़ी होनी चाहिए और एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स से भी बड़ी होनी चाहिए, ये हो गया इसका मतलब, सही है। और f ऑफ 3 पे आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 15 ना, बीच में ये माइनस 15 मिलेगी और राइट में भी माइनस 15, देखो राइट में माइनस 15 आ रही है, तो ये इक्वल टू वाला चल जाएगा केस है। अब लेफ्ट वाले से रिजल्ट मिलेगा f ऑफ 3 माइनस h, तो ये इसको देखो h लिमिट ऑफ h टेंडिंग लिमिट लगाते हैं ऐसे, तो 4 x के जगह पर 3 माइनस h पुट करोगे ऐसे करके आप, माइनस 3 माइनस एच का क्यूब और प्लस लॉग ऑफ यहां पर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट एस 4 3 या 12, 3 3 27, तो 27, 12 मैंने माइनस 15 प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये तो सिंपल एलजेब्रा बन गया, नहीं लेस देन माइनस 15 है, तो ये इक्वल टू भी ले सकते हैं और डेफिनेशन में इक्वल टू भी होता है, तो यानी कि लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 लेस देन 0, तो यहां से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 लेस देन 1, तो ये तो सीधे बन गया वे भी कर्व का क्वेश्चन, लेस देन 0 फैक्टराइज करेंगे तो एक आएगा 1 और एक आएगा 2, तो प्लस माइनस प्लस, मुझे लेस देन चाहिए, तो आपका ए की वैल्यू क्या है, ये ए बिलोंग्स टू
वन से टू इस इंटरवल में आपका ए लाई करना चाहिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, है समझ में आई बात? यस यस। ठीक है ना, तो हमने वो देखो डेफिनेशन लगाई ना मैक्सिमा की, और जो इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व कर दिया बस फाइनली। हाँ ठीक है, बहुत क्वेश्चन होंगे इसमें। तो मैं अब एक दो क्वेश्चन उसके भी दे देता हूं। अच्छा थोड़ा सा एक चीज और बता दूं यहां पर, क्योंकि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो एक टर्म बार बार आपको परेशान करता है, वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट। से किसी भी फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स फॉर विच सबसे पहले वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे टेन एक्स है, टेन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो पाई बाई टू पे एसिम्प्टोट बनता है ना, तो पाई बाई टू टेन एक्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया, सही है, मतलब कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। यहां पर आप बोल सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना उस जगह पर। Yes. उस जगह पर फंक्शन एक तरह से डिसकंटिन्यूअस हो गया, मिसिंग पॉइंट, उस पॉइंट मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी उस पॉइंट पे। और उसके बाद एफ डैस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। और तीसरा इसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर एफ डैश एक्स आपका जीरो, ये भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह की जो चीजें होती है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल ना हो, और एफ डैश एक्स जीरो है, अगर है ना एफ डैश एक्स जीरो है, जिसको स्टेशनरी पॉइंट ही बोलते हैं ना इन पॉइंट्स को। तो यहां से जो पॉइंट आता है ये वो वाले क्रिटिकल पॉइंट है जिनको हम ऊपर में स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये देखो इसमें ना जो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बीच में कोई जैसे टेन एक्स का था, जैसे मान लो सपोज करो एक मिनट के लिए देखो, मान लो एक फंक्शन लेता हूं मैं वाई इक्वल टू लॉग एक्स, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है भाई, x इक्वल टू माइनस वन इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका जो डोमेन है ना वो जीरो से इंफिनिटी है ना, उस डोमेन के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट हो जाए जहां पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू टेन एक्स है, और इसका जो डोमेन होता है ना टेन एक्स का, वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बीच में कुछ पॉइंट हटे होते हैं, नहीं, जैसे 10x को अगर मैं 0 से 2 पाई पे देखूं तो पाई बाई 2 एक पॉइंट हटाना पड़ेगा, फिर 3 पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा, तो ऐसे है ना। तो ये डोमेन के बीच में ही अगर कोई पॉइंट हो जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, डोमेन के बाहर नहीं होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल, ऐसा लिख सकता हूं ना इसको, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन
इंटरवल, ये वाला, ये मैंने सामने एग्जांपल दिया है। लॉग एक्स के केस में माइनस वन को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वहां तो जाता ही नहीं है डोमेन। टेन एक्स के केस में सारे रियल नंबर्स के बीच में कुछ पॉइंट्स है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो बीच वाले पॉइंट्स जो होते हैं उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। सही है? जैसे कभी कभी ना सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो फाइंड, आपको ना एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर 2/3 और ये दे दिया 2x+1। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपने बताने। ठीक है ना, तो क्या डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की? अब ये जो x माइनस टू की पावर, अच्छा अगर ये 3/2 होता ना तो फिर अंडर रूट का झमेला पड़ता ना, अब ये 2/3 है तो क्यूब रूट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी में तो कुछ भी नहीं आया इसका, है ना, कंटिन्यूअस में। डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, एफ डैश एक्स करके देखते हैं इसको, ये डिफरेंशिएशन करने पे आ रहा है 2/3 एक्स माइनस टू की पावर माइनस 1/3, ये हो गया 2x+1, थोड़ा टू लगा रहा हूं, है ना, एक्स 2/3 और ये 2, ये हो गया आपका। सिंप्लीफाई करके देखूंगा तो आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो कुछ ऐसा आएगा। सिंप्लीफाई भी क्या देखना है, नीचे ले आना है बस खाली इसको, 2 कॉमन ले लिया मैंने और ये हो गया 2x+1 अपॉन एक्स माइनस टू की पावर 1/3 प्लस एक्स माइनस टू की पावर 2/3, ऐसा कुछ आ गया। तो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट, किन किन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, 2 पे जीरो हो जाएगा ना भाई डिनोमिनेटर में, तो 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एफ डैश एक्स, तो और एफ डैश एक्स कहीं जीरो है ये देखना पड़ेगा आपको। एफ डैश एक्स अगर जीरो कर दें इसको तो ये हो जाएगा 2x+1 अपॉन एक्स माइनस टू की पावर 1/3 एक्स माइनस टू की पावर 2/3 इक्वल टू जीरो अगर कर दें तो यहां से 2x+1 होगा पर इधर आएगा तो ये माइनस और एक्स माइनस टू की पावर 1/3 1, तो ये हो गया 2x+1 इक्वल टू माइनस x+2, तो हो गया 3x=1 है 2x+1। यहां पर एक 3 भी था ना शायद नीचे में, ये 3 भी था, 3 छूट गया ना, यहां पर एक 3 भी था, ये 3 एलसीएम लेने पे ये ऊपर चला जाएगा है, तो ये 3 यहां हो जाएगा ऐसे है, तो इसको 3x+6 तो 3 × 2 = 5, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है 3 × 5x = 5x = 1। इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस में की वजह से एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, नॉन डिफरेंशियल की वजह से 2 आया और एफ डैश एक्स को 0 की वजह से 1 आया, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए ना इसके, सही है ना, तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए इसके। एक जैसे ये है देखो, फाइंड ए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a+2 के साथ कॉस एक्स 2 प्लस a माइनस 1 के साथ x हैव क्रिटिकल पॉइंट्स। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, ये कह रहा है कि a की वैल्यू बताइए
जिसके लिए इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हो। तो ये टफ है थोड़ा क्वेश्चन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स होने के लिए देखिए कॉस फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो ये हमेशा ही है ना, तो कंटिन्यूटी की वजह से तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है यहां पर, क्योंकि ये कॉस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि डिफरेंशियबल होता है और लीनियर फंक्शन डिफरेंशियबल होता है, तो डिफरेंशियबिलिटी की वजह से भी कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो इसकी वजह से होगा, एफ डैश इक्वल टू जीरो की वजह से होगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट की तीन वजहें होती हैं, तो मैं जब एफ डैश एक्स करूंगा इसका तो ये एफ डैश एक्स आएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू, कॉस का हो गया साइन एक्स बाई टू डॉट वन बाई टू और ये नेगेटिव, और इधर हो जाएगा ए माइनस वन। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? हो रहा है। ए माइनस वन ए माइनस टू, ए माइनस वन ए माइनस टू, ये जो हाफ है हाफ को इसके बाहर लिख देता हूं, और ये आपका आया है साइन एक्स बाई टू और यहां पर है ये ए माइनस वन। अगर ये जीरो आ गया तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो एफ डैश एक्स को अगर मैं जीरो रख दूं तो यहां से ए माइनस वन तो एक पॉइंट आ गया है ना, कॉमन आया, बाकी क्या बचेगा ध्यान से करना। ए माइनस वन चला गया तो वन माइनस, ए माइनस वन चला गया ए माइनस टू बाई टू और साइन एक्स बाई टू, ये जीरो। यहां से तो एक चीज तो तय है कि a माइनस वन जीरो है तो a इक्वल टू वन, तो एक क्रिटिकल इक्वल टू वन तो एक हो ही गया। उसके बाद वन माइनस a माइनस टू साइन एक्स बाई टू, नीचे टू है, अगर ये जीरो हुआ तो यहां से ना कुछ ऐसा बन जाएगा साइन एक्स बाई टू इक्वल टू वन टू टू अपॉन a माइनस टू। और आपको पता है कि जो साइन एक्स बाई टू होता है वो माइनस वन से वन के बीच में होता है, उसी हिसाब से टू अपॉन ए माइनस टू भी आपका वन से माइनस वन के बीच में होगा। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। हाँ जी, इनइक्वालिटी को छोड़ दूं उसको, इसको आगे सॉल्व करना। अब देखो ये a इक्वल टू वन को चेक कर लेते हैं, अगर a इक्वल टू वन है तो अगर a कोई वैल्यू वन डाल देंगे तो क्या होगा आपका, ये तो जीरो बन जाएगा ना फंक्शन। लेकिन अगर a को वन ले लिया जाए तो आपका जो एफ एक्स है वो जीरो बन जाएगा, है नहीं? देखो तो देखो yes. तो उस केस में तो फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है। तो a इक्वल टू वन के लिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो, फिर उसके बाद यहां इसको नहीं लेंगे, a इक्वल टू वन नहीं लेंगे। यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, यहां से सॉल्यूशन आएगा वही आपका आंसर होगा। आपको पता है इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना, आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, a माइनस टू ग्रेटर देन टू, a ग्रेटर देन फोर, तो फोर से डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ। ये देखो डायरेक्ट ना a माइनस टू ऐसे यहां से इधर रह गया और यहां आ गया तो a माइनस टू a ग्रेटर देन फोर, और दूसरा वाला इधर से करें तो ये आ गया टू से टू कट गया a लेस देन जीरो, ये आपका आंसर आ गया। तो देयर फोर ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन फोर से इंफिनिटी, ये आंसर है बस, कोई बड़ी बात है कुछ भी नहीं, ऐसे ही हो गया। देखो सॉल्व सही है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मिला है, the set of values of b for which
f x is equal to b square माइनस थ्री बी प्लस टू, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी माइनस वन एक्स प्लस साइन टू डज नॉट हैव स्टेशनरी पॉइंट। ये अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो क्या कह रहा है यहां पर। देखो यहां इसने वर्ड यूज किया है स्टेशनरी पॉइंट, और आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है ना। देखो क्रिटिकल क्योंकि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, हैं? कॉस 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 का टर्म कंटिन्यूअस होता है, साइन का टर्म कंटिन्यूअस होता है, एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब ये डिफरेंशियबल भी है, तो डिफरेंशियबिलिटी की वजह से भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा वो एफ डैश एक्स की वजह से होगा, तो एफ डैश एक्स की वजह से जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो की वजह से जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उनको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। कह रहा है ये भी नहीं है, कह रहा है इस क्वेश्चन में ये भी ना हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम ही है, बस लैंग्वेज का फर्क है। एफ डैश एक्स को आपने नॉट इक्वल टू जीरो करना है इस बार, है आपको नहीं चाहिए डज नॉट, तो आपको नॉट इक्वल टू जीरो करना है। एफ डैश एक्स निकाल तो ले पहले, तो ये बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस टू तो कॉन्स्टेंट है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस टू एक्स होता है, तो कॉस टू एक्स का हो गया साइन टू एक्स इंटू टू है, तो ये हो जाएगा साइन टू एक्स इंटू टू, हाँ लिखू टू को बाहर लिख देता हूँ टू, और माइनस साइन आ जाएगा बाहर, और ये बी माइनस वन, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया बताओ। एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं टू के साथ, तो ये बी माइनस वन और बी माइनस टू आ जाएगा, ऐसे बी माइनस वन और बी माइनस टू आ जाएगा, और साथ में साइन टू एक्स है, और इधर पे b माइनस वन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही b माइनस वन अगर हम कॉम, वहां a था यहाँ b है, तो यहां पर आ जाएगा ये b माइनस वन, वन माइनस टू b माइनस टू साइन टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से b इज नॉट b माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो b इज नॉट इक्वल टू वन, दूसरा यहां से सेम इक्वेशन चीज वाली बन गई, तो यह आ जाएगा साइन टू एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ये नीचे वन अपॉन ट्वाइस ऑफ बी माइनस टू, सही है। तो अगर मैं ऐसा एक काम और कर सकता हूं, साइन टू एक्स का जो मॉड होगा वो ने? वन से छोटा होगा, है ना। देखो साइन टू एक्स का मॉड वन से छोटा है, अब मुझे दोनों इक्वल नहीं चाहिए, मुझे दोनों इक्वल नहीं चाहिए हैं, इक्वल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो साइन टू एक्स उसको वन से बड़ा ले लेंगे, है ना, क्यों भाई, जो साइन टू एक्स होता है ना ये वन से छोटा होता है, तो राइट हैंड साइड को वन से बड़ा ले लूं, नहीं है? अगर 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस टू के मॉड को अगर मैं 1 से बड़ा ले लूं तो कभी सॉल्यूशन होगा क्या बताओ। अरे ये 1 से छोटा और मैंने इसको 1 से बड़ा ले लिया तो कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा आपका b माइनस, ऐसा बन जाएगा ना, ग्रेटर देन वन, या तो ग्रेटर देन वन ले लो या इसको लेस देन माइनस वन ले लो, यहां से सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा हाँ, तो सॉल्व आप कर ही लोगे हैं,
फाइनल आंसर जो दे रहा है ये वो दे रहा है 3/2 से 5/2 इस इंटरवल में अगर आपका हो गया तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। देखो सेम था ना पिछला क्वेश्चन जैसा ही, पिछले क्वेश्चन में 8+1 वाली वैल्यू क्यों नहीं आई थी, उससे फंक्शन जीरो हो जा रहा था ना, जीरो फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना वो, जब हम इसमें a=1 डाल रहे हैं ना तो ये टर्म जीरो हो जा रहा है, ये टर्म जीरो हो जा रहा है, देखो a की जगह 1 डाल दो, यहां a की जगह 1 डाल दो जीरो, तो fx आपका पूरा जीरो बन गया, तो जीरो फंक्शन के तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे ही नहीं ना, नहीं समझे, कांस्टेंट फंक्शन के मतलब कि कहने का fx = 0 विल हैव नो क्रिटिकल पॉइंट, तो मुझे तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए था इसलिए a = 1 नहीं लिया, ठीक है ना। यस यस हाँ देखो एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल लेकिन बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, fx = x+1/x कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू वैल्यू निकालनी है इस बार है, मतलब वैल्यू का मतलब है पॉइंट नहीं, ये देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है, जब आपने इसको एफडेस एक्स किया तो ये 1 - 1/x² आ गया, ठीक है, फिर आपने क्या किया इसको एफडेस एक्स को जब आपने जीरो पुट किया तो आपको क्रिटिकल पॉइंट आ गए x² = 1 x = +-1 दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके पास 1 और -1 और ध्यान ये तो दोनों स्टेशनरी पॉइंट हो गए, याद रखना इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट और है, बता सकता है कोई एक क्रिटिकल पॉइंट इसमें और है, जीरो यस जीरो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर फंक्शन क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस है, जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अब मैंने बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, फिर मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया एफ डबल डैश एक्स किया तो ये आ गया आपका कितना है अगर नंबर अगर तो एक्स की कितना होगा ये एक्स की माइनस एक्स की पावर -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये 2/x³ तो एफ डबल डैश में जब आपने 1 को 1 पुट किया तो आपको पॉजिटिव मिला तो देयरफॉर x = 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और जब आपने अब इस पे आपने -1 किया तो आपको नेगेटिव मिला तो देयरफॉर x = -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसने यहां ने इसके आगे की कहानी बोली है, इसने बोला है कि देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी -1 पुट कर दो फंक्शन में, नहीं -1 पुट कर दो फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होगी -1 - 1 - 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई 1+1 दैट इज 2। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू -2 है मिनिमम वैल्यू +2 है तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से छोटी है, देखो
है, देख रहे हो आप यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो छोटा है मिनिमम वैल्यू से, ये इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटा हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमा और मिनिमा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होती है, वो तो नेबरहुड की प्रॉपर्टी होती है। सही है? हाँ यस तो एक्चुअली है क्या ऐसा, आपको तब मिलेगा, जनरली आपको ऐसा तब मिलता है जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। बीच में देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था नहीं था, देखो डिसकंटिन्यूअस था, इस वजह से ये जहां पर भी फंक्शन पर डिसकंटिन्यूटी होगी वहां पर आपके रिजल्ट अजीब से आएंगे। डिसकंटिन्यूटी सारे साथ की जड़, सही है ना? यस हाँ ये देखो, एक क्वेश्चन देखो, ये है लोकल लोकल, ये है क्वेश्चन देखो। सिंपल फंक्शन है, ठीक एफएक्स आपको दिया हुआ है कि -1 से एक्स टी -1 फिर टी -1 फिर टी -2 का क्यूब फिर टी -3 की पावर 5 डी टी एज अ लोकल मैक्सिमम एट एट एक्स इक्वल टू, ऐसे ऑप्शंस दिए हैं 0, 1, 2 और 3। जेई का क्वेश्चन है 2000 के आसपास का, 2002 2003 ऐसे आसपास का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम पे ऐसे क्वेश्चन है। इजी है क्वेश्चन, ठीक है? लोकल मैक्सिमा है एक्स इक्वल टू किस पॉइंट पे, ये आपको निकालना, मतलब बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया, तो आपने डिफरेंशिएट करना है। अब इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास न्यूटन लेबनीज थ्योरम है ना, तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम से जो हम लोगों ने करा था ना लिमिट में बताया था डिफरेंट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए एलोस्टर रूल में, वही रूल यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए हम लगाएंगे। तो इसमें अपर लिमिट पुट कर देते हैं एक्स ई एक्स -1 एक्स -1 एक्स -2 का क्यूब एक्स -3 का 5 और एक्स का 1, और बाकी 1 पुट करेंगे नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, ये आपका एफ डैश एक्स हो गए। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट इसका ये 0 है, क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 है। दूसरा ई एक्स -1 एक्स इक्वल टू 1 है, 1 पुट करें नहीं, 1 पुट करने से नहीं 0 होगा, 1 पुट करने से भी 0 होगा ये वाला है, 2 पुट करने से भी 0 होगा, 3 पुट करने से भी 0 होगा, तो 1, 2, 3 तो क्रिटिकल पॉइंट है ही है, और e की पावर 0, 1 -1, 0, तो 0 दो जगह से आ रहे हैं, 0 दो बार आ रहा है ना, नहीं समझे? यस जीरो, हाँ, इससे भी 0 आ रहा है और इससे भी 0 आ रहा है, दो बार आ रहा है इस पर 0। तो हम एफ डैश एक्स को प्लॉट करते हैं, किसको प्लॉट कर रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब साइन चेक कर लेते हैं, और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, उसके बाद 2.5 डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
1.5 डालेंगे तो 1.5 डालेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव कट के है। और 1 के आगे 0.5 डालेंगे तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4, 1 2 3 4 है। एफडेस एक्स का साइन चेक कर रहा हूं मैं, है एफडेस एक्स का साइन चेक, तो 1 2 0 1 2 3, तो 3 के आगे पॉजिटिव आया ठीक है, 2 और 3 के आगे नेगेटिव आया, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए 0 से 1 के लिए, यहां भी नेगेटिव आएगा है कि 0 2 बार आया ना। मुझे चाहिए, देखो यहां इस वन के लेफ्ट में यहां एफ डैश एक्स, ये तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ना यहां नीचे को ऐसे, नहीं अरे भैया नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा, 2 तक इंक्रीज करेगा, 2 के बाद फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा 3 पे पहुंच के फिर इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका टेंटेटिवली। तो इसका मतलब है कि 1 पे मिनिमा है, 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया मैंने, 2 इज पॉइंट ऑफ, एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है बस, मुझे निकालना क्या था, मैक्सिमा निकालना था, 2 एक ही पॉइंट तो है बस खाली, है ना, मिनिमा 2 पॉइंट है, 1 और 3, 3 पे भी देखो मिनिमा है, याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, किसी पॉइंट के लेफ्ट में अगर एफ डैस एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों चेंज, मतलब लेफ्ट में नेगेटिव था राइट में पॉजिटिव है, तो मतलब डिक्रीजिंग होते होते अचानक से इंक्रीज करना शुरू कर रहा, तो मिनिमम बना के छोड़ेगा वहां पर, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, सही है, आसान था मतलब, तो जेई के हिसाब से तो आसान क्वेश्चन था, नहीं हाँ ये है, जैसे देखो एफ एक्स आपको दे रहा है एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 2 से x 1 अपॉन जेड माइनस टू कॉस 4z डी जेड, सही है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पूछा है उसने, इंटरवल नहीं दे रहा हूं मैं, जनरलाइज जनरलाइज करके बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहां देखो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, और ये 0 का कोई झमेला नहीं है क्योंकि 2 से शुरू है, 2 से x तक है, तो यानी कि सिर्फ एफडेस एक्स के 0 की वजह से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, डिफरेंशिएट किया तो ये 1 आएगा, ये 1/x आएगा, और यहां न्यूटन लेबनीज थ्योरम लग जाएगी, नहीं तो 1 अपॉन x -2 -2 cos 4x, x का डिफरेंशियल 1, 2 का खत्म, ये आ गया, तो कट कुटा के ये आपका जो एफ डैश एक्स है वो कुछ ऐसा बन गया, -1 -2 cos 4x -2 cos 4x = 0, जब इसको करेंगे तो यहां पर ये cos ऑफ 4x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में चला गया क्वेश्चन, cos ऑफ 4x इक्वल टू cos ऑफ 1/2 60 डिग्रीज पे होता है, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो गया cos 4x इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3,
अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो 4x इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहां से आपका x का आंसर आ जाना चाहिए n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 से 2 4 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये आपका आंसर है। ये आपके सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हाँ, अगर इसने कोई इंटरवल दिया होता, मान लो इसने इंटरवल दिया होता कि आपका किसी कोई इंटरवल दिया होता उसमें निकालने को, तो फिर आप एन की वैल्यू पुट करके निकालते ना, ठीक है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो लोकल मैक्सिमा था, है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये बात ठीक है। तो इन क्लोज इंटरवल पहले देख लेते हैं, तो इसका ना इसमें क्लोज इंटरवल में अलग तरीके से देखते हैं, ओपन इंटरवल में अलग तरीके से देखते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको जो भी फंक्शन दिया होगा ऑब्वियसली आपने पहले डीवाई बाई डी एक्स करना है उसका, फिर आपने क्या करना है, इस डीवाई बाई डी एक्स को जीरो रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स की कुछ वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मान लो आपने सी वन सी टू बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, मान लो आपने n क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, निकल गए मान लो n क्रिटिकल पॉइंट, सही है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने इन इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, आपने क्या निकालना है, f c1 पे वैल्यू निकालनी है, f c2 पे, सब हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे आपने वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा या ग्लोबल मिनिमा होगा वो क्रिटिकल पॉइंट में ही होगा, है, क्रिटिकल पॉइंट में ही होगा। ऐसे करके आपने सारी वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है ना। और आपने इसके अलावा दो वैल्यूज और निकालनी है, एफ ए और एफ बी भी निकालनी है, यानी कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड द कॉर्नर पॉइंट्स, है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट्स, सब पे निकालनी है आपको। अब इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, इन सब वैल्यूज में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू, समझ रहे हो, आपने फंक्शन लिया उसको डिफरेंशिएट किया क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए और हर एक क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में डाल के फंक्शन की वैल्यूज निकाल ली प्लस कॉर्नर पे भी वैल्यू निकाल ली, कॉर्नर पॉइंट एफ ए, बाकी इन सारे में से जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा और जो सबसे छोटा होगा और वो ग्लोबल
मिनिमा होगा, बस इतना ही है। सही है ना, स्मॉलेस्ट आउट ऑफ एफ ए हो सकता है, एफ सी वन हो सकता है, एफ सी टू हो सकता है, एफ ऑफ सी एन हो सकता है, या फिर राइट कॉर्नर एफ ऑफ बी भी हो सकता है। इनमें से जो स्मॉलेस्ट होगी वो ग्लोबल मिनिमा होगी, इनमें से जो ग्रेटेस्ट होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगी। सही है यहां तक, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये होती है वास्तव में, मैक्सिमा और मिनिमा नाम रखा हुआ है उसका, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। जब ग्लोबल लग जाएगा ना तो आपको वास्तव में सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए और सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। सही है, एक नोट लिख लोगे, ग्लोबल मैक्सिमा, नोट मैं लिख देता हूं उसको, मैं ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, occurs at critical points or the corner points. ये मैंने किसके लिए बताया आपको अभी? Closed interval के लिए बताया। सही है, अब open interval के लिए थोड़ा सा कहानी, थोड़ी सी चेंज है। अब वो है थोड़ा हल्का सा चेंज है इसमें, ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ओपन इंटरवल, ए और बी इंक्लूडेड नहीं होता ना, ये होता ना। सही है, सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका। आपने y इक्वल टू एफ एक्स निकाला, दिया होगा आपको, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर आपने जो डिफ्रेंशिएट करके मिला आपको उसको जीरो के इक्वल रख के इसको सॉल्व करके आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, C1, C2, C3, टिल मान लो आपने बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाले, 1, 2, 3 जितने भी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा कैसे निकलता है देखिए, हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे M1 जो कि इनमें से मैक्सिमम होगी, किसमें से, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2, एफ ऑफ C3, इनमें से एक वैल्यू निकालेंगे जो मैक्सिमम होगी। सही है, M1 है, देखो यहां पर FA और FB नहीं निकाला है मैंने, ठीक है ना, ये M1 ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है। अब ध्यान रखना भी इसमें एक चीज और कम नहीं है, मैक्सिमम इनमें से मैक्सिमम निकाला, ठीक है, एक काम करूंगा दोनों को एक साथ लिख देता हूं, अलग अलग क्या लिखूं। आपने क्या क्या एक वैल्यू निकाली M2 जो कि मिनिमम होगी किसके, इनके, तो ए और बी कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो अगर तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ए पे वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन ए के नेबरहुड में तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई, देखो ना ओपन इंटरवल में ए पे वैल्यू नहीं निकाल सकते लेकिन ए के राइट में ए प्लस एक्स पे तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू M1 से बड़ी हो गई, ठीक है, M1 से मान लो A के आगे आपकी वैल्यू M1 से बड़ी हो गई, या राइट वाला
लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू b माइनस, ये भी अगर m1 से बड़ा हो गया, इनमें से कोई भी एक अगर m1 से बड़ा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। Does not exist, सही है। इसका मतलब है कि जो ओपन वाले केस में इन्हीं में से कोई मैक्सिमम होना चाहिए, इन्हीं में से कोई मैक्सिमम वैल्यू देगा, कॉर्नर वैल्यू तो होगी नहीं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी इनसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या समझ रहे हो बात को, आपने इन सब में से मैक्सिमम चुन लिया और उस मैक्सिमम को लिमिट से कंपेयर कर दिया ए और बी पे, अगर लिमिट वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तो फिर मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, और लेकिन अगर ये लिमिटिंग वैल्यू अगर छोटी आ गई, दोनों के दोनों अगर छोटी आ गई, M1 से छोटी आ गई, उस केस में हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है एंड is equal to M1। ये देखो जो M1 है ना, ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी ग्लोबल मैक्सिमा है, लेकिन एक शर्त पे कि वो लिमिटिंग वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, सही है। मैं आपको अच्छा, तो ये जैसे मैक्सिमा के लिए वैसे मिनिमा के लिए भी होगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिमिलरली फॉर ग्लोबल मिनिमा। एम टू, ठीक है ना, सिमिलर, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ग्राफिकली आपको ना एक सिचुएशन दिखा रहा हूं, ग्राफिकली आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूं, आप इसमें से पहचानना, देखो क्या है। ये मान लो एक सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए पे आपको ऐसे कुछ वैल्यू मिली है, ये देखो ओपन इंटरवल का केस है, ये देखो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है, ये आपका C5, ठीक है ना। Fx is defined in open interval a से b, ठीक है, ये आपका फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए c1 क्या है, c1 आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, c1 पे मिनिमा बन रहा है, c2 पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, C3 पे वापस क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, लिख रहा आपको, C4 पे आपको वापस मैक्सिमा बन रहा है। कंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा ही होता है, ऑल्टरनेटिव चलते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन में, C5 में आपका फिर से मिनिमा बन रहा है। ये जो मैंने लिखे हैं ये लोकल है, सही है। अब बात करते हैं ग्लोबल की, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, M1, मैक्सिमम ऑफ एफ सी वन बड़ा है, एफ सी टू, एफ सी थ्री, एफ सी फोर, एफ सी फाइव, बताइए तो कौन सा बड़ा लग रहा है आपको सबसे इसमें से, ये मेरे ख्याल से C4 सबसे बड़ा लग रहा है ना,
तो यानी कि M1 हो गया आपका F C4, ये M1 हो गया। क्या इसको ग्लोबल मैक्सिमम बोलूंगा मैं? याद रखेगा ओपन इंटरवल का केस है। अब इसको लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a प्लस h में जो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो क्या m1 से बड़ी है कि छोटी है? पहले देख लो, बताइए कौन सी बड़ी है। ये वैल्यू है देखो, ये वैल्यू आपका ये है देखो c4, कौन सी वैल्यू बड़ी है? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू बड़ी है, तो लिमिटिंग वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो लिमिटिंग वैल्यू जो आपने निकाली है, ये जो वैल्यू निकाल रहे हो आप, ये हो क्या गया, ये हमारे M1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? नो ग्लोबल मैक्सिमा, कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू नहीं है यहां पर। आई बात समझ में? Yes. मतलब कि जो जो कॉर्नर पॉइंट पे जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, वो आपके मैक्सिमा से छोटी होनी चाहिए। मतलब अच्छा, यहीं पर ही अगर हम बात करें M2 की बात करें, मिनिमम ऑफ, अब बताइए मिनिमम कौन सा आ रहा है इनमें से जो मिनिमम होगा, इसमें से देखो M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू आ रही है मिनिमम, मिनिमम मिनिमम मतलब होता है सबसे नीचे है। ये C3 आ रहा है ना, देखो C3 आ रहा है लगभग, हाँ सबसे सबसे नीचे C3 है, यानी कि आपको FC3 मिल गया। अगर ये मिनिमा है तो सबसे इसके जो कॉर्नर पॉइंट की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a प्लस, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही FC3 से? बड़ी आनी चाहिए मिनिमा के लिए, बड़ी आनी चाहिए। और जो दूसरी वाली वैल्यू है B के लेफ्ट की, वो भी बड़ी आ रही है FC3 से। तो मिनिमा के केस में बड़ी होनी चाहिए, मैक्सिमा के केस में छोटी होनी चाहिए, है? इस केस में आपका क्या है? ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, देखो यहां एट x इक्वल टू C3, ये आपके x इक्वल टू C3 पे ग्लोबल मिनिमा आपका एग्जिस्ट कर रहा है, सही है? ठीक है ना, ये देखिए, क्योंकि जो कॉर्नर वाली वैल्यू है सबसे छोटी, कॉर्नर पे लिमिटिंग वैल्यू से भी छोटी है ये, तो छोटी तो ये वाला पॉइंट सबसे छोटा हो गया, इसलिए ग्लोबल मिनिमा हो गया। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा इसको नहीं बोल सकते ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू मौजूद है लिमिटिंग केसेस, तो ये कैसे मैक्सिमा बोलेंगे ना इसको, इसके इससे बड़ी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो कहां कर रही है ये भी नहीं पता, इसलिए ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आई बात ये वाली? ठीक है ना, हाँ। तो एक सिचुएशन और दिखाऊंगा, बस फिर आज के लिए बंद कर लूंगा। ए ये देखो, ए पे आप यहां हो, बी पे आप यहां, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया। चलिए ग्लोबल, पहले आप M1 निकालते हैं, M1 है मैक्सिमम ऑफ F ऑफ C1, C2, C3। कौन सा दिख रहा है आपको इसमें से सबसे मैक्सिमम? F of C3। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो C3 में आ रही है,
अब इसको लिमिटिंग दोनों कॉर्नर के लिमिटिंग वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, है क्या? देखो तो जरा, क्या ए पॉइंट पे जो लिमिटिंग वैल्यू है ये रही, इससे ऊपर है, राइट के लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर है कि नहीं है दोनों? यस यस। तो अगर मैं ए के राइट की वैल्यू को देखूं तो ये आपका M1 से छोटा है, और साथ के साथ अगर मैं B पे देखूं लिमिट, B पे माइनस लेना पड़ेगा ना, B के राइट में तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा ना, ये भी आपका M1 से छोटा है, यानी कि M1 इनसे भी बड़ा है ना, तो देयरफॉर ग्लोबल मैक्सिमा, जी लिख दो खाली, पूरा लिख देता हूं, चलो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, कहां एग्जिस्ट करता है? x इक्वल टू c1 पे एग्जिस्ट करता है, ये c1 है भाई, है ये वन है c1, सही है। अच्छा मिनिमा की बात करें जरा, m2 मिनिमा बताओ कौन सा है इसमें से फिगर देख के, सारी वैल्यू सी टू पे सबसे छोटा लग रहा है ये वाला, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इससे भी छोटी है, हैं? लेकिन हम देख सकते हैं फिगर में x टेंड्स टू b माइनस पे जो वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी उससे भी छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ? यस, नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसको ग्लोबल मिनिमा तब बोलूंगा जब इसकी वैल्यू सबसे छोटी हो, लेकिन यहां पर तो छोटी और छोटी वैल्यू आ गई ना, तो इसका मतलब ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल समझ में आ गई बात, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, कॉर्नर के लिमिटिंग वैल्यू से भी बड़ी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, जिसको भी आप ले रहे हो वो सबसे छोटा होना चाहिए, कॉर्नर की वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए, लेकिन यहां कॉर्नर की वैल्यू छोटी है तो नहीं चलेगा, इसलिए सही है। yes. चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे और। सर एक डाउट था, बता दीजिए लिमिट्स का। हाँ बताइए।